लखनऊ के मलिहाबाद में एक घर में शादी की खुशियां कुछ ही देर में मातम में बदल गईं जब दुल्हन की जयमाला स्टेज पर अचानक मौत हो गई। बता दें कि शुक्रवार की रात गांव भदवना निवासी राजपाल की बेटी शिवांगी की शादी थी। बारात लखनऊ के बुद्धेश्वर से आई थी। बारात दरवाजे पर पहुंची तो सभी के चेहरों पर खुशियां थी। नाश्ते के बाद जब द्वार पूजा शुरू हुई तो जनातियों की आवभगत से बराती खुशी से झूम रहे थे। माहौल खुशनुमा था तो दोनों तरफ से हंसी ठिठोली भी खूब चल रही थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। दूल्हा वरमाला स्टेज पर अपनी दुल्हनिया का इंतजार कर रहा था। उधर दुल्हन भी अपनी सखी सहेलियों के साथ लाल जोड़े में हाथों में वरमाला लिए आगे बढ़ रही थी। अचानक दुल्हन स्टेज पर पहुंची। वर और वधु दोनों लोग एक दूसरे को वरमाला डालने ही वाले थे तभी अचानक दुल्हन बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देख अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद परिजनों ने फौरन दुल्हन को उठाया और इलाज के लिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां डॉक्टरों ने दुल्हन को मृत घोषित कर दिया। दुल्हन की मौत के बाद तो दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चंद मिनटों में सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। इस दुखद घटना से दुल्हन के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है जिसमें किसी भी शख्स की इस तरह मौत हुई हो। बीते कुछ महीनों से बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसमें कभी गरबा करते, कभी स्टेज पर डांस करते तो कभी खेल के मैदान में खेलते खेलते खिलाड़ी की मौत हो गई। बीते हफ्ते वाराणसी में दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई। पिपलानी कटरा औगड़नाथ तकिया के पास एक कार्यक्रम में नाचते हुए 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम मनोज विश्वकर्मा बताया जा रहा है। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें दिख रहा है कि मनोज नाम का एक युवक नाचते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ता है जिसके बाद परिजन पास के अस्पताल ले जाते हैं जहां डॉक्टर मनोज को मृत घोषित कर देते हैं। बीते महीने ही एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था जिसमें राजस्थान के पाली में शाली की शादी में स्टेज पर डांस करते करते जीजा की मौत हो गई। जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी वहां मातम पसर गया। पाली के राणावास स्टेशन के रहने वाले 42 साल के अब्दुल सलीम पठान सरकारी स्कूल में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे। वह अपने परिवार वालों के साथ शादी समारोह में गए हुए थे। इसी दौरान शादी में स्टेज पर डांस करते समय ट्रेनर को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। वहीं बीते माह बरेली के एक होटल में दोस्त की बर्थडे पार्टी में आए प्रभात प्रेमी डांस फ्लोर पर झूम रहे थे। आसपास खड़े लोग वीडियो बनाने में मशगूल थे। माहौल जोश से भरा था कि अचानक प्रभात गश्त खाकर गिर पड़े। लोगों को पहले लगा कि वह शायद एक्टिंग कर रहे हैं, फिर लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो वह हिल तक नहीं सके। पार्टी में एक डॉक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने इमरजेंसी में CPR दिया मगर प्रभात की धड़कने थम चुकी थी। सामने आया कि IVRI कर्मचारी प्रभात कुमार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। वहीं जून 2022 में मदुरै का एक नौजवान जिम में वर्कआउट करके उठा ही था कि गिर गया। श्री विष्णु नाम के उस युवक की उम्र बस 27 साल थी। नामी प्लेबैक सिंगर KK 31 मई 2022 को कोलकाता में स्टेज पर परफॉर्म करते हुए असहज महसूस करते हैं। होटल में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। मशहूर TV एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की पिछले साल अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जहां अमूमन फिट समझे जाने वाले लोग अचानक दम तोड़ रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।